तो फाइनली गाइस, आज मैं यहाँ पे जिस बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ वो TVS की तरफ से आने वाली मोस्ट पॉपुलर एंड सेलिंग बाइक, जो कि TVS रेडियन, जो कि ये स्टैंडर्ड मॉडल है और यहाँ पे ये टॉप मॉडल, दोनों का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे कि मतलब इसमें क्या फीचर्स एडिशनल मिल जाते हैं और इसके कॉम्पिटिटर में और कौन कौन सी बाइकें आती हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। कलर क्या है, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट लुक की। तो जो यहाँ पे फ्रंट लुक की बात करूँ तो जो ये फेयरिंग है, यहाँ पे वाइजर जो यहाँ पे ब्लैक कलर के मिल जाते हैं देखने के लिए। वहीं अगर मैं इसके TVS के लोगो की बात करूँ तो वो यहाँ पे 3D में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब सही लगता है देखने में। और वहीं यहाँ पे ये जो फेयरिंग में जो ये हेडलाइट के यहाँ पे साइड में देखने को मिलता है वो यहाँ पे क्रोम में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब प्रीमियम लगता है देखने में। फ्रंट में इसके अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे हेलोजन वाली हेडलाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे DRL भी यहाँ पे नीचे की साइड में देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर मैं इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो यहाँ पे बल्ब वाले इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। दोनों में ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं वहीं इसके फेंडर की बात करूँ, फ्रंट फेंडर की, तो यहाँ पे जो फेंडर की क्वालिटी भी काफ़ी मतलब सही यहाँ पे देखने को मिल जाएगी फाइबर की, और फ्लेक्सिबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो TVS का यहाँ पे टायर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं इसके बात करूँ टायर की, जो टायर यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाएगा, जो कि 110cc की बाइक है तो काफ़ी मतलब सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। अगर मैं वहीं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों में जो सस्पेंशन यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ पे फेंडर में रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मैं इसके ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पे जो ड्रम ब्रेक वाला ये वेरिएंट अवेलेबल है, और इसमें डिस्क वाला भी आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं है। तो जो ड्रम वाला वेरिएंट है, इसमें जो ब्रेक यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलता है वो 130mm का यहाँ पे फ्रंट में ड्रम ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोनों में। वहीं इसमें जो मोस्ट मतलब चेंज क्या है इसमें, जो कि इन दोनों को अलग बनाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मिरर का लुक है वो यहाँ पे क्रोम में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब प्रीमियम लग रहा है देखने में, सामने से आप देख सकते हैं इसको। और वहीं यहाँ पे ये ऐसे ही मतलब सिंपल वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे TVS की यहाँ पे ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो ये मतलब छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं बोल सकते इसको। और जो ये ब्रेक लीवर यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो प्लास्टिक वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और वहीं यहाँ पे एल्यूमिनियम का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मतलब काफ़ी मतलब सही लग रहा है देखने में। और मेन इसके मीटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो मीटर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे डिजिटल मीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि TVS राइडर में जो आता था पहले वाला, वो यहाँ पे देखने को अब सीधे रेडियन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं इसके स्टैंडर्ड वाले मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वाला मॉडल है, यहाँ पे एनालॉग वाला मीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो कि एनालॉग वाला भी है उसमें भी काफ़ी मतलब सही यहाँ पे देखने को ये चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। जिस प्राइस सेगमेंट में ये दोनों आ रहे हैं वो मैं पूरा डिटेल में इनका प्राइस भी बताऊँगा, एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस, वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। तो वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे जो हमें चीज़ें मिलती हैं मीटर वगैरह में, यहाँ पे टाइम वगैरह, यहाँ पे स्पीड, RPM और फ्यूल का, वो सारी चीज़ें, ट्रिप ए ट्रिप बी, रेंज भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिंपली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह वाला यहाँ पे सिस्टम देखने को नहीं मिलता, तो मतलब सही है। कलरफुल वाला मीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कलरफुल डिजिटल मीटर, जो कि जिस प्राइस सेगमेंट में आ रही है काफ़ी कमाल का ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है TVS के द्वारा। और यहाँ पे जो ये लेग गार्ड है, तो लेग गार्ड की अगर मैं बात करूं तो दोनों में जो लेग गार्ड है वो क्रोम वाले ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी मतलब सही लग रहा है देखने में। अगर वहीं मैं इसके टैंक की बात करूं तो जो टैंक यहाँ पे देखने को मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक, यहाँ पे 10 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और जो यहाँ पे TVS का लोगो यहाँ पे 3D में देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके टैंक की बात करूँ तो टैंक पे यहाँ पे पैड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि टैंक पैड जो काफ़ी मतलब सही लगता है देखने में, और मतलब दोनों साइड ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो जो सीट हाइट यहाँ पे देखने को मिलता है 780mm का यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब सही है। और यहाँ पे साइड पैनल में जो हमें रेडियन का यहाँ पे जो लोगो देखने को मिलता है वो भी 3D में यहाँ पे देखने को मिलता है, और विद ग्राफिक्स के साथ ही हमें देखने को मिलता है। FI के साथ ही हमें देखने को मिल जाता है, FI इसमें भी हमें देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो जो इंजन का यहाँ पे कलर है वो यहाँ पे गोल्डन में आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मतलब सही लग रहा है देखने में।
यहाँ पे जो TVS की ब्रांडिंग यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे देखने को मिल जाती है, फुटरेस्ट वगैरह भी यहाँ पे काफी सही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करूँ इसके सेफ्टी पॉइंट की, साइड कट ऑफ सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो कि अब सारी बाइकों में लगभग यहाँ पे कॉमन कर दिया गया है, तो जिस जो काफी मतलब सेफ्टी वाला हो सकता है। मैं इसको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपके सामने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइक जो कि स्टार्ट है, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो ये बाइक ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए बंद हो जाएगी, जो कि काफ़ी मतलब सही है सेफ्टी के हिसाब से। काफ़ी लोग पहले मतलब ये लापरवाही करते थे, जो कि स्टैंड लगाना मतलब स्टैंड ऊपर करना भूल जाते थे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह को देखते हुए। ये काफ़ी मतलब अच्छा फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अब। तो ये एक मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है 110cc में ये हमें देखने को मिलती है। और इसकी अगर मैं सीट की बात करूं जो कि काफ़ी लॉन्ग सीट यहां पे देखने को मिल जाएगी, और यहां पे सीट की कुशनिंग वगैरह भी, सीट कंफर्ट भी यहां पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, कंफर्टेबल सीट यहां पे रहेगा। और वहीं अगर मैं इसके ग्रैब हैंडल की बात करूं यहां पे रियर में, तो जो ये ग्रैब हैंडल यहां पे देखने को मिलेगा वो भी यहां पे क्रोम में देखने को मिल जाएगा, और यहां पे रबड़ का यहाँ पे पैड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके अगर मैं टायर की बात करूँ तो ये यहाँ पे ट्यूबलेस टायर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी मतलब सही यहाँ पे लग रहा है। और एलॉय व्हील यहाँ पे देखने को मिलेगा, एलॉय व्हील यहाँ पे ब्लैक कलर के एलॉय व्हील यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और चैन केस की बात करूँ तो चैन केस यहाँ पे प्लास्टिक का फुल चैन केस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोनों में, रियर से कुछ इस तरीके से लुक रहने वाला है। यहाँ पे टेल लाइट की बात करूँ तो बल्ब वाली यहाँ पे हेलोजन वाली रियर में भी टेल लाइट और बल्ब वाले इंडिकेटर दोनों में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट रियर फेंडर में भी यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं इसके साइलेंसर की बात करूँ जो यहाँ पे वो जो साइलेंसर के ऊपर जो ये प्लेट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी वो यहाँ पे क्रोम में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी यहाँ पे सही ऑप्शन, एक स्पोर्टी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम फील तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा जगह में, मतलब यहाँ पे क्रोम में जो चीज़ें दी हैं वहाँ से ये थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीमियम देखने को लग जाता है, मतलब और बाइकों के हिसाब से, जो कि 110cc में काफ़ी मतलब कमाल का ऑप्शन। जो कि डिजिटल मीटर वो भी कलरफुल यहाँ पे डिजिटल मीटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी मतलब सही जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है काफ़ी मतलब सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे TVS की तरफ से। और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, 10 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी में भी नो कॉम्प्रोमाइज़, सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग सही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और वहीं ऑल ओवर इसके कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 113 किलोग्राम इसका ऑल ओवर कर्व वेट है, जो कि मतलब हैंडलिंग करने में भी कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। वहीं साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो साइड में कुछ इस तरीके से लुक रहने वाला है इसका, जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कलर वेरियंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कलर वेरिएंट की बात करूं इनमें तो क्या क्या कलर यहां पे देखने को मिलता है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो कलर वेरिएंट हमें देखने को मिलता है ब्लैक वाला, तो आप देख ही सकते हैं यहां पे ब्लैक वाला यहां पे अवेलेबल है, और यहां पे रेड और ब्लैक का यहां पे देखने को मिल जाएगा, ब्लू ब्लैक यहां पे देखने को मिल जाएगा, पर्पल और वाइन यहां पे देखने को मिल जाएगा, स्टार लाइट ब्लू यहां पे कलर देखने को मिल जाएगा, और टाइटेनियम ग्रे भी यहां पे देखने को मिल जाएगा, और मेटल ब्लैक, ये सारी मतलब सारे कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस TVS की रेडियन बाइक की में। मतलब जितने भी कलर आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, आपको जो भी कलर पसंद है वो आप ले सकते हैं। और जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो दशमेश TVS जो कि गदरपुर मेन रोड में है, तो LIC ऑफिस के ठीक बगल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं। और इसका एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप इसको ईजिली कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। तो ये था फ्रेंड पूरा आज का इस वीडियो। अगर मैं मेन इसके माइलेज की बात करूं, जो मैं माइलेज का भूल गया था, और ऑन रोड प्राइस का माइलेज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 60 से 65 तक का माइलेज आराम से यहाँ पे रफ राइडिंग वगैरह में लोकल एरिया में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं इसके हाईवे की बात करूं तो यहाँ पे 65 से 70 तक का भी माइलेज, 70 प्लस का भी माइलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब काफ़ी सही ऑप्शन हो जाता है। वो आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बाइक चलाते हैं। तो ये पूरा मतलब इसका हो जाता है कि मतलब एक काफ़ी मतलब सही बाइक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड पैनल है, तो साइड पैनल में यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे कवर्ड यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके टॉप वाले मॉडल
की टॉप वाले वेरिएंट की, तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल जाएगी, वो भी क्रोम में यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो जो कि काफी सही यहाँ पे लग रहा है देखने में। और पूरा ये चीज मैंने आपको बता दी। और लास्ट में इसके मैं अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, तो ऑन रोड प्राइस जो इसका रहने वाला है वो एक्सोरूम की प्राइस की बात करता हूँ सबसे पहले, तो एक्सोरूम जो रहने वाला है स्टैंडर्ड वाले मॉडल की, अगर एक्सोरूम प्राइस की बात करूँ जो बिना डिजिटल वाला है वो इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे 72,033 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड वाले मॉडल का एक्सोरूम प्राइस। और वहीं आकर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 88,100 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। और यहीं अगर मैं इसके टॉप मॉडल की बात करूँ तो इसका जो प्राइस रहने वाला है 76,910 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 93,500 रुपये यहाँ पे इसका ऑन रोड प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है डिजिटल मीटर के साथ और लुक वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ओवर इसका लुक, तो कुछ इस तरीके से इसका लुक रहने वाला है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी और जिसके पास है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए उसका क्या परफॉर्मेंस वगैरह है, और भी लोगों को समझने में यहाँ पे आसानी होगी। तो यही था फ्रेंड आज की इस वीडियो में, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई भी क्वायरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो यही था फ्रेंड आज की इस वीडियो में। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट में बताऊँ इसके कॉम्पिटिटर के बारे में, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो बजाज का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्लेटिना। और वहीं अदर बाइकों की अगर मैं बात करूँ तो 110 सीसी में पैशन प्रो यहाँ पे हीरो की देखने को मिल जाएगी, तो ये इसका कॉम्पिटिटर हो जाता है 110 सीसी में। बाकी मतलब जिस मतलब एक मस्कुलर लुक के साथ ये हमें देखने को मिल जाती है। बाकी अदर बाइक अगर आप लेना चाहते हैं बजाज की या फिर हीरो की, तो वो भी आप देख सकते हैं, उनका भी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।